हेलो फ्रेंड, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चला रहे हैं ग्रुप डी क्रैश कोर्स, जो हाल ही में दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए जो है हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों रीजनिंग का वीडियो है, जो कि 12th नंबर का वीडियो है दोस्तों, यानी 12वां वीडियो। इससे पहले जो है मैं अपने चैनल पर 11 वीडियो अलग अलग टॉपिक से अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखें तो जाकर देखिए, अपना रिवीजन कीजिए और आगामी परीक्षाओं में दोस्तों अपना स्कोर बेहतर कीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज जो है दोस्तों हम लोग इसमें जो है पासा यानी डाइस से प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे एक पासा की दो स्थितियां दिखाई गई है, संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे एग्ज़ाम में कैसे आसानी से बना पाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाना है इस सब क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। दोस्तों मैं बता दूँ, जब भी ऊपर में सेम संख्या रहे, आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट डाइस में भी 5 है ऊपर में और सेकंड में भी जो है 5 है दोस्तों। इसमें ये पूछा गया है कि 3 के जो है विपरीत क्या होगा। तो आपको इसमें ये देखना है कि 3 के यानी अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ जो है 2 लिखा है और इसके बगल में 3 लिखा है। आप देख रहे होंगे कि इस साइड 2 है दोस्तों और यहाँ 3 है। आप ठीक उस प्रकार देखेंगे दोस्तों, जब यहाँ 2 के बगल में 3 है तो इसमें यहाँ जब 2 है दोस्तों तो इसके बगल में यहाँ 3 होगा, निश्चित है दोस्तों। आप देख रहे होंगे उसमें कुछ किया नहीं है, केवल डाइस को हल्का सा घुमाया गया दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे कि इस जगह 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसके यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ बगल में 3 है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि इसके बगल में इधर साइड में 3 होगा। तो आप देखेंगे इसको ध्यान से दोस्तों, तो आपको एक चीज़ में ज़रूर मिलेगा, मैं बता दूँ दोस्तों कि इसमें एक चीज़ ज़रूर मिलेगा कि 2 के बगल में जब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 2 के बगल में 3 होगा। और हम लोगों से पूछा गया दोस्तों कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 3 के विपरीत तो यही 4 हो रहा है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 3 के विपरीत तो 4 हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 4, यानी इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर होगा दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 4। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा था दोस्तों कि पहले पासे के फलकों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए, 4 के सामने के फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो आप सचेत होकर इसे समझने का प्रयास कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बेहतर ढंग से आप इसे बना पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों ये कहा कि 4 के सामने के फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों इसको हम ऑप्शन से कैसे बना लेते हैं। 4 के सामने कहा दोस्तों, यानी 4 के विपरीत कहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों इस फिगर में, आप इस फिगर में देखेंगे कि 4 के विपरीत क्या 5 होगा। देखिए तो 4 के बगल में ही 5 है दोस्तों, तो 5 तो कभी नहीं होगा विपरीत, 6 भी नहीं होगा 4 के विपरीत दोस्तों। आप यहाँ से देख रहे होंगे इस फिगर में भी देख रहे हैं कि 4 के बगल में 2 लिखा है और फिर 4 के बगल में 3 लिखा है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 4 के लिए जो है 4 के विपरीत 6 भी नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं हो रहा दोस्तों, नहीं 2 हो रहा है और नहीं 3 हो रहा है। आप इस फिगर से बेहतर ढंग से आप देखिए समझ जाएंगे। तो दोस्तों आप ये बताइए कि सब कोई अंक 4 के विपरीत हो ही नहीं रहा, तो होगा क्या 4 के विपरीत, तो 1 होगा। हाँ दोस्तों, इसका जो है करेक्ट आंसर वो 4 के विपरीत दोस्तों 1 होगा। इसका जो है 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो है 4 के विपरीत नहीं 5 होगा, नहीं 6 होगा, नहीं 2 और 3 होगा, तो होगा क्या 1 होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत होगा। दोस्तों अभी जो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया जस्ट वही क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ये देखना है कि जो है येलो कलर के बगल वाली पीला के विपरीत क्या होगा।
यानी अपोजिट साइड पीला के क्या होगा दोस्तों। तो आप देखेंगे कि पीला यहाँ ऊपर में है दोस्तों, इस जगह पीला लिखा हुआ है, तो पीला के बगल में देख रहे होंगे कि नीला है, फिर है दोस्तों यहाँ नारंगी है। तो क्या पीला जो है दोस्तों उसके विपरीत में नारंगी और नीला होगा क्या? नहीं, नारंगी होगा नहीं, नीला होगा। तो ऑप्शन में दोस्तों नहीं, ये नीला तो कभी नहीं होगा। आप इस ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कि इस ऑप्शन में पीला यहाँ है इस फिगर में, तो इस पीला के बगल में नारंगी, ये भी नहीं होगा, इसके विपरीत नहीं, ये बैंगनी रंग होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कि बैंगनी रंग भी नहीं हो रहा है और नहीं नारंगी रंग। अब इस फिगर में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पीला लिखा हुआ है, लेकिन पीला के बगल में यहाँ नीला लिखा हुआ है। तो क्या पीला के विपरीत कभी नीला हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या लाल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में दोस्तों आप देखेंगे कि बैंगनी रंग कभी नहीं हो सकता है, लाल रंग कभी नहीं हो सकता, नीला कभी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है दोस्तों? यानी इसमें जो है दोस्तों पीला रंग के विपरीत क्या हो सकता है? तो वो होगा गुलाबी रंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसमें दोस्तों आपको ये देखना होता है कि जिस रंग को कह रहा है कि उसके विपरीत क्या होगा, तो उसके अगल बगल में देखना है, उसके नज़दीक की सतह में देखना है कि उसके नज़दीक पे जो सतह होगा तो उसका वो अपोजिट नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन जो है पासे क्वेश्चन को ट्रिक से भी बनाने का प्रयास किया जाता है। जब क्वेश्चन में ज़्यादा टेंशन होने लगे दोस्तों, तो उसको हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। तो इसमें देखिए कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को कॉमन सतह ढूंढना है, जैसे कि आप पहले फिगर में देख रहे होंगे दोस्तों। इस फिगर में कि सबसे पहले लिखा है 4 2 1, और इसमें दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दर्शाई गई है, यदि नीचे 3 हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें दोस्तों ये मतलब इसमें ये कही जा रही है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसी तरह दोस्तों जब भी मैं बोला कि इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ट्रिक से भी कैसे बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या करना है, कॉमन सतह को पकड़ना है, जैसे इसके ऊपर में 4 है, इसके ऊपर में 4 है। तो मैं पहले सतह को जो है एंटी क्लॉक वाइज कैसे लेना है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। एंटी क्लॉक वाइज यानी ऐसे जिस तरह घड़ी की दिशा में जिस तरह चलता है दोस्तों, उस तरह के इसके अंकों को लेना है। पहले देखिए मैंने कॉमन सतह, इसमें 4 है ऊपर में, इसमें भी 4 है, तो मैंने फर्स्ट वाला जो है दोस्तों इसके फिगर का जो है 4 2 6 यानी एंटी क्लॉक वाइज में लिख दिया। अब सेकंड जो ये फिगर है दोस्तों, इसका भी जो हम एंटी क्लॉक वाइज लिखेंगे, 4 के नीचे 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 है दोस्तों वो 3 लिखेंगे, फिर 5 है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि दोस्तों 1 के विपरीत में 5 होगा, 2 के विपरीत में 3 होगा। तो इसमें जो कह रहा दोस्तों कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो वो 2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये 3 नंबर में जो है दोस्तों, ऑप्शन में जो 2 लिखा है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई है, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। यानी इसमें एक के विपरीत पूछा गया दोस्तों कि एक जब ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग कैसे बना पाएंगे। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ थोड़ा आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें भी देखिए सेम जो है ऊपर में कॉमन है 4 4। तो इसमें दोस्तों ये कही जा रही है कि एक के मतलब विपरीत क्या होगी। तो एक के विपरीत दोस्तों आप इस फिगर से देखेंगे तो एक यहाँ दोस्तों 1 और लिखा है 6, और यहाँ दोस्तों अब लिखा है 6 और 5। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कह रहा है कि एक के विपरीत क्या होगी। तो दोस्तों केवल इसमें क्या किया गया है, पासे को घुमाया गया है। थोड़ा इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों, पासे को रोटेट किया गया है। आप यहाँ देखेंगे कि इस जगह इसमें 1 है दोस्तों, यहाँ जो है 1 लिखा हुआ है और यहाँ 6 है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि इस पासे में जहाँ 6 लिखा है उसके जस्ट उधर विपरीत में यहाँ 1 रहा होगा, क्योंकि इस फिगर में यहाँ 6 है जब, तो इसके यहाँ जब बगल में 1 है दोस्तों, तो इसके बगल में भी यहाँ क्या होगा, इधर 1 होगा। तो आप जस्ट देखेंगे जब उधर 1 होगा तो 5 के तो विपरीत तो वही फलक है दोस्तों, जिसमें जो है 1 होना है। तो आप इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 के जो विपरीत है दोस्तों वो क्या है,
एक है और इसमें पूछा गया कि एक के विपरीत कौन है, तो एक के विपरीत फाइव होगा। इसका दो नंबर जो है, दो नंबर ऑप्शन यही करेक्ट होगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।